नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं दलजीत अजनुहा। दोस्तों, होशियारपुर में जो चिंतपूर्णी मेला 29 जुलाई को शुरू होने जा रहा है, नवरात्रों का मेला चिंतपूर्णी के लिए, उसके प्रबंधों में, उसके बारे में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कौन सी व्यवस्था की, कैसी व्यवस्था की है, उसके बारे में बातचीत की हमने जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत से और साथ ही SDM शिवराज बालजी और साथ में DSP परविंदर जी। क्या कहा उन्होंने इन प्रबंधों के बारे में, आओ देखते हैं डीडी समाचार। दोस्तों, नेशनल जिहड़ा मेला मां चिंतपूर्णी मेला 29 तरीक नूं शुरू होने जा रहा है, उहदे संबंध दे विच वख-वख डिपार्टमेंट्स वल्लों किहड़े-किहड़े प्रबंध कीते गए आ, उहनां लड़ी दे तहत अज असीं आए हां सिविल सर्जन होशियारपुर विखे, जिथे असीं मौजूदा सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह जी दे नाल गल करांगे वी सिहत विभाग वल्लों उन्होंने जोड़े यात्रा पर जा रहे यात्री है उन्होंने सहूलत दी जा रही हैं, किड़े निर्देश दिए जा रहे हैं, तो की उन्होंने आने वाले समय जोड़े प्रबंध किए गए। डॉक्टर साहब, थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, जो चिंतपुरी का मेला 29 तरीक न शुरू हो रहा जी, वो संबंधी जोड़े थोड़े डिपार्टमेंट वालों प्रबंध निर्देश है तो सहूलत है, वो साढ़े दर्शकों जरूर जी। सानू DC साहब वालों निर्देश हुए थे कि 3 जगह पर आप मेडिकल फैसिलिटी देनिया है, जिद JC एक तो JCT मिल हैगी है, दूजी वाटर टैंक के नेड़े चखो चहोवाल है उत्थे हैगी है, तो तीसरी मंगोवाल नारी, तो जिहड़ी है इस तो अलावा ये उत्थे स्टेशन टीम्स है 24 आवर्स है, तो इसी जो ब्लॉक लगता है ये लगाई गई ने। इस तो अलावा एक मोबाइल टीम हैगी है जो इन्हों तो अपडेट लेंदी रहेगी, तो इन्हों कोई सप्लाई वगैरह घट होंगी मेडिसिन की वह भी प्रोवाइड करेगी, तो क्योंकि लंगर भी लगे हुए हैं तो उस दे अपनी एक फूड सैंपलिंग टीम भी बनाई है जिहड़े DHO की देख रेख दे विच हैगी है, तो क्योंकि पानी बरसात का मौसम हैगा तो पानी खराब ना होए ताकि बरसात के मौसम अक्सर कहा जाता कि डायरिया टटियां उल्टियां लग जांदियां ने, और असी सारा अपनी एक मलेरिया डिपार्टमेंट वालों क्लोरीनेशन जिहड़ी जिन्ने भी रस्ते टैंकियाँ टैंक्स है अपना ओवरहेड टैंक्स है उन्होंने क्लोरीनेशन कर रहे हैं। इस तो अलावा जी जो भी बनती हैगी है दवाई कोई सिख होंगे है उन्होंने प्रोवाइड की जाती है उत्थे ही, कोई ज़्यादा सिख होगा एक साड़ी एमरजेंसी इतने एमरजेंसी के टीम तैयार हैगी है, तो वो जोड़े शिफ्ट होने मरीज उन्होंने देखभाल करेगी। डॉक्टर साहब, जी सहूलत डिपार्टमेंट वालों देनिया वो तुम दसिया तो नाल दी नाल जी थोड़ी है, इतों अलावा जी संगत जाती है उन्होंने अपने वालों किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट सेहत डिपार्टमेंट में, तुम अपने नाल कि चीज़ कैरी करनी है ताकि जो थोड़ा समय का कोई प्रॉब्लम हो सॉर्ट आउट हो सके। अपने वालों उन्होंने अपना जितों तक हो सके पानी बॉटल अपना करता हो पर इन्नी देर तक ले जा नहीं सकते, इन्ना इन्ना ज़्यादा नहीं चक्या जा सकता पानी, तो बॉटल्ड वाटर यूज़ कर जी बोतल है वो बेहतर रहेगा, तो रस्ते कई दुकाना वगैरह लगिया होंदिया ने जिते खुला फल फ्रूट या होर किसी हर जो समान खाण पीन का मिलता वो उतो परहेज करना चाहिए हैगा, तो अपना दुध वाली चीज़ा जिदा आइसक्रीम वगैरह हैगी है वो भी काफ़ी स्टॉल वगैरह होंगे ने, तो दुध वाली जी चीज़ा वो नहीं लैनी चाहिए वो क्योंकि उस इनफेक्शन जल्दी होंगी हैगी दुध वाली चीज़ों वो नहीं लैनी चाहिए बाहरों नहीं लैनी चाहिए। सर, जिवें डिस्ट्रिक्ट दे विच कोविड का प्रभाव कंट्रोल हो गया सर, फिर हौली हौली जिहड़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम आउंदी है, रोज़ पेशेंट्स जिहड़े वधदी है गिणती उहदी जिहड़ी आ प्रकॉशनस जिहड़ियां उह वी तुसीं दे रहे हो नाल दी नाल? हांजी हांजी, उह वी जिथे ज़्यादा इकट्ठ हैगा उत्थे मास्क दिते जा रहे ने, हैंड सैनिटाइजर सफिशेंट अमाउंट च अपने जिथे इत्थे कमरियां दे विच जां जगह दे विच जां जिथे टेंट वगैरह लगे हैगे आ जां जिथे ज़्यादा इकट्ठ लग रहा है उत्थे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बाकी जिहड़ी जनता हैगी आ उहनूं भी कहा जा रहा है कि अपने जिहड़ा भी अपना मेले च आ रहा है यात्रा ते जा रहा है अपने मास्क लगा के रखन, हैंड सैनिटाइजर रखन, ते अपना डिस्टेंस जिहड़ा है जिवें कि पहलां आपां मेनटेन करदे सी उदां कीता जाणा चाहीदा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस सन सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह जी जिन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट वालों माता चिंतपूर्णी ते जाने वाले यात्रियों को जिहड़ियां निर्देश दिए नाल दी नाल सहूलत दसियां ते नाल इन्होंने प्रकॉशन भी दसे है, असीं कोशिश करांगे अपने चैनल के माध्यम लोगों तक आवाम तक की गल पहुंचाइए ताकि जिहड़ी महामारी
खन्ना जी हैं, यहाँ एक बहुत ही ईमानदार ऑनेस्ट और सीनियर पॉलिटिशियन है। वहीं पर जो लोगों के हित के लिए हमेशा बात करते हैं और लोगों के दुख सुख में प्राथमिक तौर पर श्री गौर को उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। सर अभी की अभी मैम जो द्रौपदी मुर्मू जी मुहिम जो है वो आज राष्ट्रपति का उन्होंने शपथ ले ली, तो वो आपको पहले तो भाजपा के कार्यकर्ता होने के कारण आपको भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी हैं और अभी भाजपा हिमाचल के प्रभारी हैं, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। और अभी भाजपा की कार्यशैली क्या है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरूर। धन्यवाद जिनोहा जी, मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक बार फिर देश को एक ऐसा राष्ट्रपति बना मिला है जो ग्राउंड से आता है, जो एक टीचर थी, फिर क्लर्क बनी, फिर गवर्नर बनी, फिर आज वो राष्ट्रपति बनी है और वो आदिवासी है। आदिवासी होने के नाते वो एक ऐसी महिला है जो एक समाज सेवक भी है। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम का अनाउंसमेंट किया तो जो रिस्पांस उसको सारे देश भर में मिला, मैं समझता हूँ वो ऐसा रिस्पांस आज तक हमने देखने को नहीं मिला। कल उनका इलेक्शन हुआ है, बहुत बड़े मार्जिन से वो इलेक्शन जीती हैं। ऑपोजिशन के लोगों को भी उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, इसी कारण अपनी पर्सनैलिटी कारण। और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विज़न था, जो उनका एक सपना था कि कैसा देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, उस सपने को उन्होंने पूरा किया है। 25 तारीख को वो ओथ लेगी और 15वीं हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रपति वो बनेंगी। और पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम जो वैज्ञानिक थे उनको राष्ट्रपति बनाया, वो बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद एक दलित परिवार में पैदा हुए श्री राम कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने का भी कार्यकाल बिल्कुल साफ सुथरा रहा है। अब जो मुर्मू जी है वो राष्ट्रपति बनी है, तो आशा करते हैं कि एक नया मैसेज लेके वो देश की राष्ट्रपति का पद की शोभा बढ़ाएंगे। खन्ना सर, बात करें आगे की भविष्य में, अगर हम कोई बात इस बात गुफ्तगू में बात करने कोई चूक गए हैं तो आप भाजपा के एक प्रतिनिधि होने के कारण हमारे दर्शकों को वो भी बता दें, कोई अगर प्लानिंग हो भाजपा की, जैसे आप पंजाब को रिप्रेजेंट कर, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर को रिप्रेजेंट कर, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के लोग रहने बने हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं, उनके समाधान के लिए आते हैं, तो जो आपको लग रहा है अभी आज के समय में मौजूदा हालात में हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक आवाम तक करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। हिमाचल का जी, उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। दूसरा, 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक बहुत भव्य कार्यक्रम देशभक्ति का चलने वाला है। अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में हम एंटर कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में घर घर पे एक झंडा लगे, देश का राष्ट्रीय ध्वज लगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग हर घर पे इस ध्वज को लगाने के लिए, इस झंडे को लगाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनी है। तो मैंने सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी पत्र लिखा है कि वो अपने विद्यार्थियों को एक एक झंडा अपनी तरफ से दें ताकि वो घर में जाकर अपना झंडा लहराएं और 15 अगस्त को सारा देश राष्ट्रीय ध्वज के साथ सज जाए, एक ऐसा प्रयास हम लोग करने वाले हैं। आपके चैनल का भी उसमें सहयोग रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बाकी रही समस्याएं की बात, देखिए हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब बॉर्डर स्टेट होने के कारण जहाँ की अपनी ही समस्याएं अलग हैं। पाकिस्तान का हर समय इंटरफेरेंस रहता है, सबसे बड़ी समस्या लाइन ऑर्डर की है, दूसरी समस्या नशे की है, तीसरी समस्या जो है वो सरकार की कारगुजारी को लेकर है। तो मैं समझता हूँ समाज को भी और सरकार को भी इकट्ठे होकर इन दो समस्याओं का, जहाँ लॉ ऑर्डर और नशों की समस्या है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन पंजाब में विकास की कोई कमी ना आई, इसके लिए जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं उन वादों के ऊपर ध्यान देते हुए काम करना होगा। अभी तक जनता का विश्वास वो जीत नहीं पाए, उसका कारण रहा है कि संगरूर में जो बाई इलेक्शन हुआ वो बहुत बड़े मार्जिन से हारे। जनता ने उनको आईना दिखाया है कि कभी भी आप झूठ बोलकर सत्ता में नहीं रह सकते। तो मैं अभी, हमारे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, आप सब लोग उस नवरात्रों को कवर करेंगे, लाखों की संख्या में लोग माता नैना देवी के और अपने चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, गाड़ियों से भी जाते हैं, लेकिन जो सड़क का हाल है वो किसी से गया गुजरा नहीं है, सब जानते हैं।
तो हम लोग अपील करते हैं कि नवरात्रे शुरू होने से पहले इस सड़क का निर्माण किया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ना कोई आंदोलन छेड़ेगा जिससे सरकार को जगाया जाएगा। अनंतपुर साहब को जाने वाली सड़क जो भी एक धार्मिक स्थान को जाती है उसका भी बहुत बुरा हाल है। इसी तरह गढ़शंकर से बंगा को जाने वाली सड़क उसका भी बहुत बुरा हाल है। माहलपुर से कोटतुही तक जाने वाली सड़क उसका भी बहुत बुरा हाल है। जब मैं तुझे एक ही एरिए की इतनी सड़कें गिना रहा हूँ, पंजाब में ऐसी कितनी रोड्स हैं जो जिनका हाल बहुत बुरा है, चलने के काबिल नहीं है। सरकार जागे, उनको जगाने के लिए मैं समझता हूँ कि आपका मीडिया सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचाएगा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अविनाश राय खन्ना जी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ नेशनल बात की, वहाँ पे राज्य स्तरीय बात की और बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की। इहो जिहे पॉलिटिशियन जो ऐसे होते हैं तो उनको सभी की चिंता होती है, चिंता करते उसका चिंता समाधान करने के लिए भी प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। इन्होंने यहाँ नेशनल सवालत के साथ साथ जो पंजाब की निचली सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। अभी इन्होंने बात की है जो रिलीजियस पंजाब और हिमाचल के हिमाचल में जो देवभूमि माना जाता है हिमाचल को, वहाँ पर महा चिंतपूर्णी के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, मेला चलता है, उसके लिए रोड्स की जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और वहाँ जो सिस्टम है जो जिला प्रशासन है दोनों हिमाचल और ऊना के, तो जो होशियारपुर के, उनको लेकर भी यहाँ पे इनको कोई ना कोई समाधान ऐसा करना चाहिए ताकि जो लोग वहाँ से संगत जाति नतमस्तक होने उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो इन्होंने जो बातें की हैं बहुत ही प्रभावशाली ढंग से की है, उनका समाधान करने की प्रयास तो चिंता भी की, चिंतन भी किया और साथ ही इन्होंने जो हमारे नए राष्ट्रपति, इन्होंने बताया 25 को वो ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं। मोदी नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में इन्होंने बताया, इन्होंने ये भी बताया कि वो बधाई देने के लिए वहाँ पे पहुँचे, उसमें ये भी हम मेंशन करते हैं यहाँ इनके लोग थे उस वहीं पर उनके ऑपोजिट जसवंत सिन्हा से सबसे नरेंद्र भाई मोदी और सेकंड नंबर पे जसवंत सिन्हा ने मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दी। ये भी हमारे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की अलग है, जो अपोजिशन में थे वो भी इस बात पर खुश हैं कि द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति बने। तो मैं दलजीत अजनोहा, अज असी गल करेंगे माता चिंतपुर्णी दे मेले नूं लैके, जिहड़ा 29 जुलाई तो नवरात्रियां दा मेला हर साल दी तरह शुरू हो रहा, जिहदे विच हुशियारपुर सिविल प्रशासन वल्लों प्रबंध कीते जा रहे यात्रियां दीआं सुविधावां लई। ते असी सिविल प्रशासन दे अधिकारी SDM शिवराज सिंह बल जी दे नाल गल करांगे वी उहनां ने सिविल प्रशासन वल्लों माता राणी दे दरबार ते जाण वाले यात्रियां दे लई किहड़े किहड़े प्रबंध कीते ने ते किहड़ियां किहड़ियां हदायतां दित्तियां, इंस्ट्रक्शन कीतियां ते किहड़ियां किहड़ियां सहूलतां दित्तियां। बल साहब स्वागत है जी तुहाडा जी। थैंक यू जी, थैंक यू। बल साहब जिहड़ा 29 तरीक नूं मेला शुरू हो रहा चिंतपुर्णी, उहदे विच आप जी दे वल्लों सिविल प्रशासन हुशियारपुर वल्लों किहड़ियां किहड़ियां सहूलतां यात्रियां लई दित्तियां जां किहड़े प्रबंध कीते आ? दलजीत जी तुसीं जाणदे ही हो जिहड़ा हैगा इस जिहड़े अपने सावण दे महीने 'च लगदे आ मेले, मेन इशूज जिहड़े साडे हर वार दी तरह हुंदे आ उह ओबवियसली सब तों उत्ते साडे लई लॉ एंड ऑर्डर है, उस तों बाद ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੜਕ, ਹੈਲਥ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ, ਇਹ ਕੁਛ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਸੋ ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ।
पब्लिक टॉयलेट्स का ऐतकी सानू जिहड़ा हैगा साडी कोशिश है कि पहलां नालों थोड़े ज़्यादा कराइए। असीं भी एंटीसपेट करते पए हाँ कि क्योंकि कोविड करके दो जिहड़ा कारपोरेशन दे एरिया अंडर आउंदा उहदे विच कारपोरेशन दे विच कारपोरेशन ते चौहाल तो अगे जो रूरल बैल्ट है उहदे विच साडे वीडियोज़ उहनां वल्लों टीमां बनाईआं जा रही हैं। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਮੇਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੰਗੂਵਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਲ SDM ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਆਪ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਔਰ ਗੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਥਰਮੋਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਚਮਚ, ਗਲਾਸ, ਪਲੇਟਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੱਤਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਓਵਰਲੋਡਡ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੜਕ ਵੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਡੀਕੁਏਟ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਹੋਊ, ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 9